हेलो माय फ्रेंड, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे नीट में 608 मार्क्स कैसे आए। 3 साल का पूरा टाइम है। 2016 में 12th पास की थी, जिसमें 65% आए थे। आ तो गए परसेंट, अब घर वालों ने सोचा चलो इसको MBBS करा देते, क्योंकि उनका सपना था, दादी का भी सपना था, तो उन्होंने डाल दिया आकाश में। अब आकाश में डाला, पहली बात तो ये थी कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। इंग्लिश वीक होने की वजह से आकाश में एडमिशन हो गया। अब फर्स्ट ईयर ऐसे गुजरा, पता ही नहीं चला, हवा की तरह। समझ में आया 50% समझ में आ रहा था, 50% नहीं आ रहा था, और जो समझ में आ रहा था लेकिन कवर नहीं हो पा रहा था, वो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे वहाँ पे, ड्रॉपर बैच में लिया था मैंने एडमिशन। बस मैं ही मेहनत करता गया और एक साल पूरा ऐसे गुजर गया। 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, पहला नीट का पेपर दिया, उसमें 290 मार्क्स आए बस मेरे भाई, देख लो कितने कम है एक साल में पूरे में। अब टेंशन भी हुई, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि घर वालों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी, बहुत सारे उधार लेकर पैसे इधर से लिए उधर से लिए जुगाड़ किया था, तो उनके सपनों को पूरा करना था, तो बर्दाश्त किया। घर वालों ने फिर से कोचिंग लगवा दिया कि तू फिर से ट्राई कर, तो मैंने फिर से ट्राई किया। मैंने फिर से जहाँ जहाँ कमी थी उस कमी को सुधारने की कोशिश करी, डाउट पूछे, फिर से टॉपिक समझे, और फिर से एक बार अपने दिल में बैठा के एक बार ट्राई और करते हैं, तो पूरी मेहनत की मैंने। सेकंड टाइम में मेहनत करता गया तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन रिजल्ट क्या आया, जब 2018 में सेकंड टाइम दिया मैंने, उसमें हो गया क्या, पेपर देते वक्त मुझे कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे होता नहीं BP लो घबराहट हो जाती है, ऐसा हो गया। तो बस उसमें बस मेहनत तो की थी बहुत सारी, लेकिन मार्क्स कितने, 520। अब 520 मार्क्स में क्या आपको पता है क्या मिलेगा, कुछ नहीं। डेंटल मिल रहा था, डेंटिस्ट घर वालों ने मना कर दिया कि करना है तो MBBS करना है, वरना डेंटिस्ट हम नहीं करवाते। उस टाइम तो इतनी टेंशन हुई, रोना भी आया, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन कर क्या सकते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। घर वालों भी तो है, माँ बाप भी थे, जिन्होंने हर चीज़ हमको दी है, तो उनके सपने पूरे करने थे। वहाँ पर भी बर्दाश्त किया, बस अंदर ही अंदर 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 घुट गए, ले लिया सब कुछ। उसके बाद घर वालों ने फिर से कोचिंग में डाल दिया, आकाश में एडमिशन करा दिया, और क्या कहा कि एक बार ट्राई कर, तू फिर से ट्राई कर। बहुत सारी एग्जाम्पल दिए घर वालों ने, समझाया कि ऐसे होता है जब चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, बार बार हार जाती है, फिर चढ़ती है, तो ट्राई करती रहती है, तुम उससे फिर से कहा ट्राई करो। तो मैंने ट्राई करा, फिर से पूरी मेहनत की मैंने, फिर से लगा रहा, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट इस बार अच्छा आ गया। उम्मीद तो थी कि इस बार अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा पैटर्न था, पहले साल में 290 आए थे, सेकंड ईयर में 520 आए, तो मार्क्स जो मेरे मार्क्स थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, तो मुझे एक अच्छी उम्मीद थी मेरे अंदर कि हाँ हो जाएगा। तो भाई क्या हुआ, 2019 में तीसरा अटेम्प्ट दिया मैंने, उम्मीद थी पॉजिटिव रिजल्ट आया, मार्क्स कितने, 608। तो घर वाले भी खुश हो गए, सब के सब खुश हो गए, मुझे भी खुशी मिली, क्योंकि माँ बाप खुश हो गए और उम्मीद हो गई कि कब तो कॉलेज मिल ही जाएगा, और कॉलेज मिल गया मुझे, मेरठ जो मेडिकल कॉलेज है वो मिल गया मुझे। तो मतलब खुशी तो मिलती है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। अब ये जो वीडियो है ये मैंने बनाई आपके लिए, आपको क्या सीख मिलती है इस चीज़ से, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपको सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। प्रॉब्लम आएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, लेकिन इनकी वजह से आपको छोड़ना नहीं है, जैसे मैंने नहीं छोड़ा। मेरे अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, घर की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, लेकिन हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। पहला पॉइंट क्या है, बर्दाश्त करना है। दूसरा पॉइंट है भाई, क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। जो मेहनत आपने फर्स्ट ईयर में की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे डबल मेहनत सेकेंड में करनी है, उससे ट्रिपल मेहनत थर्ड में करनी है। ये नहीं कि अब मुझे आता है मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मेहनत की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है, और जो आपका जो टेस्ट सीरीज चलती है उससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी से आपको अपना आपको देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, गलतियाँ निकालनी है, उनको सुधारना है।
और तीसरा पॉइंट है, हाँ तीसरा पॉइंट है अपने दिल और दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट बना के रखना है, उम्मीद रखनी है आपको कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप नेगेटिव बना के रखोगे तो बिल्कुल ना होने का, वो नेगेटिव आपको मेहनत ही नहीं करने देने की। तो पॉजिटिव थॉट बना के रखनी है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और मेहनत साथ साथ करनी है। तो तीन पॉइंट है आपको रखना है, ठीक है। और वीडियो बनाई थी इसलिए ताकि मैं अपनी कुछ बता दूँ अपने बारे में और आपको पता लग जाए। कुछ लोग टेंशन की वजह से, एनजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देते हैं तैयारी करना, कुछ लोग खाने की वजह से, कुछ लोग अच्छी जगह ना मिलना, एनवायरनमेंट ना मिलना, अच्छा कमरा ना मिलना, उसकी वजह से छोड़ दे तैयारी करना। लेकिन आपको इन ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, मेन पॉइंट आपको एम पे रखना है। तो मैंने इसीलिए बनाई थी कि कुछ भी आ जाए छोड़ना नहीं है, अगर आप लगे रहोगे तो आपको पक्का मिलना है मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और ये पैकेजेस रखे हुए हैं, इन बुक से मैंने पढ़ा था, आकाश कही है। और अगर आप चाहोगे तो मैं टॉपिक वाइज और फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है और बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, मैं आपको बताता रहूँगा। बता देना कमेंट में आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट 2022 में जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए कुछ भी आ जाए आपके बीच में, टेंशन कुछ भी हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, बस बर्दाश्त करना है। आपको देखना है आपसे भी ज़्यादा टेंशन में हैं बच्चे, और वो मेहनत कर दे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।